Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm gonna talk about shuttle service that is provided by Fansho College especially for the Fansho students. तो देखो गाइज इसमें क्या होता है कि जो लोग अपकमिंग इंटेक में आने वाले हैं उन लोगों के माइंड में ऑलरेडी क्वेश्चंस होते रहते हैं कि शटल सर्विस हम एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद कैसे ढूंढे और अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लगेज है तो उसका चार्ज कितना होगा. तो ऐसे काफ़ी सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे. तो मेक श्योर करना कि ये वीडियो आप एंड तक देखो क्योंकि इस वीडियो में मैंने A to Z information दी है. So yeah, let's get started our video without wasting any time. और video start करने से पहले आपने हमारे चैनल को like, comment, share और subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर दो. तो पहले तो आप अपना introduction दो. Hello guys, my name is Riddhi Patel. I am from Anand. मैंने यहाँ Fansho में January 2024 में आई हूँ. हम लोगों का same course है और मैं Toronto से यहाँ तक Robert Q की मदद से आई थी. तो मैं यहाँ पे आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि रॉबर्ट क्यू कैसा है, कैसे यहाँ पे आपको पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ करता है, लाइक सब कुछ. तो देखो गाइज ये वीडियो मैंने स्पेशली उस लिए बनाई है क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरा फ्रेंड मुझे पिकअप करने आया था. ऑल्दो मैं इसके बारे में वीडियो बनाना चाहता था लेकिन वो जो रॉबर्ट क्यू वाली जो सर्विस थी वो मैंने कैंसिल की थी. तो इसके बाद मुझे हार्डली कोई बंदा मिला है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था. तो ये जो लड़की है वो आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन करेगी एंड आई होप के उसके बाद आपके कोई भी डाउट नहीं होंगे. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम रॉबर्ट क्यू एयरबस कैसे बुक करवाए, लाइक किस तरह की उसकी प्रोसेस है ये बताओ. अगर आप लोग फैंशो कॉलेज के स्टूडेंट है चाहे वो कोई भी इंटेक हो, आपको एक मैंडेटरी इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करना होता है. वो सबके लिए कंपल्सरी होता है और उसमें आप जब वो लोग आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे उस डिटेल्स के आप जब फिलअप करते जाओगे तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि आपको शटल सर्विस चाहिए या नहीं. अगर आप लोग उसमें यस सिलेक्ट करते हो देन वो लोग अप्रूवल के लिए 2 या 3 दिन लेते हैं आफ्टर यू फिलअप द इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर्म. उसके बाद 2 या 3 दिन में आपने जो मेल आईडी उन लोगों को दी होगी उसमें मेल आता है कि आपकी शटल सर्विस अप्रूव हो गई है और नहीं हुई है. वो अगर अप्रूव हो गई है तो उसी मेल में आपका टाइम एंड उस डेट आएगी, उसके हिसाब से आपको शटल सर्विस कितने टाइम की मिली है या कौन से डेट की मिली है वो उस मेल में सब डिटेल्स होंगे. अब जब आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे और आपने उसमें यस सिलेक्ट किया है शटल सर्विस के लिए तो वो लोग आपकी प्लेन की सारी डिटेल्स आप लोगों से मांगेंगे, लाइक आपकी यानी कि अराइवल डेट और अराइवल डेट कौन सी है, डिपार्चर होने वाले हैं, ये सारी डेट मांगेंगे और टाइम भी मांगेंगे. उसके हिसाब से आप लोगों को वो लोग टाइम एंड डेट देते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर मेरी ही बात करूँ तो मैं यहाँ पे 8:30 बजे लैंड हुई थी रात को. तो आप किस एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे? मैं टोरंटो का मेन जो एयरपोर्ट है मिसिसागा वाला, वहाँ टर्मिनल 3 में लैंड हुई थी और उन लोगों ने मुझे शटल सर्विस दी थी रात को 2:30 बजे के आसपास. तो जैसे कि उसने बताया कि उनकी जो फ्लाइट थी वो 8:30 राइट, 8:30 को वो टोरंटो पहुंची थी. तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि मान लो अगर आपकी कोई फ्लाइट डिले हो गई और आपने रॉबर्ट क्यू एयरबस अपनी बुक करवा ली है और उन्होंने तब आपको टाइम दे दिया है कि 10 बजे आपको आ जाना है और इनकेस आपकी फ्लाइट डिले हो गई तो हम क्या करें लाइक उस टाइम पे. तो जो अप्रूवल वाला मेल आया है आपके पास वो मेल में उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी दोनों लिखे होते हैं. वहाँ पे जाके आप या कॉल कर सकते हैं या तो मेल कर सकते हैं कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई है या मैंने फ्लाइट चेंज कर दी है, मेरा टाइम चेंज हो गया है, मेरी डेट चेंज हो गई है. आपका कोई भी इशू हो वो आप मेल या उन लोगों से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और फिर वो आपको अगेन मेल सेंड करते हैं. उसमें आपका नया टाइम एंड नई डेट लिखी होगी और उसके हिसाब से आपको आगे चलना होगा. ओके तो लाइक जैसे उन्होंने पहले बताया कि ISF फॉर्म जो है वो मैंडेटरी है. ऑल्दो मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उनमें मैंने ISF फॉर्म के बारे में बताया है गाइस. तो वो वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो आप फिर से देख लेना. उसमें आपको कैसे वो रॉबर्ट क्यू वाली जो सर्विस है वो कैसे लेते हैं उस मैंने उसका भी मेंशन उस वीडियो में किया है. तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा. मेरा अगला सवाल ये है कि आप टोरंटो एयरपोर्ट पे तो उतर गए तो उसके बाद आपने वो मतलब जो शटल सर्विस थी वो किस लोकेशन पे थी और कहाँ से हम वो सारी चीज़ें ढूंढे ताकि हमें बता चल सके कि यहाँ पे शटल सर्विस है और यहाँ पे हमें जाना है.
सो लाइक टोरंटो का जो एयरपोर्ट है मिसिसागा वाला, उसमें टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3 पे ही शटल सर्विस रॉबर्ट क्योंकि वो अवेलेबल होती है। तो आपने जैसे बताया कि टर्मिनल 1 और 3 के लिए ही होती है, तो आपको टर्मिनल 2 जिसका जो डिपार्चर है टोरंटो पर, तो वो मतलब कैसे है? सो इसके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि मैंने जो मुझे जो मेल मिला था उसमें टर्मिनल 1 एंड 3 की डिटेल्स लिखी हुई थी, सो टर्मिनल 2 के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर आप टर्मिनल 2 पे लैंड करते हो तो मेक श्योर करो कि आप किसी से वेरीफाई करते हो। तो आप कंटिन्यू करो कि आप कैसे वो मतलब शटल सर्विस आपने ढूंढी। तो जैसे कि मैंने बात की कि शटल सर्विस टर्मिनल 1 एंड 3 पे ही होगी, सो जब आप लोग पहले तो इमिग्रेशन खत्म करने के बाद अपना लगेज लेने जाओगे और लगेज लेने के बाद जब आप लोग एग्जिट करोगे, तो एग्जिट करने के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा कि आर रोबोट क्योंकि ऑफिस कहाँ पे है। सो वहाँ जैसे कि मेरा टर्मिनल 3 था, तो मैं जब टर्मिनल 3 से एग्जिट ले रही थी, सामने ही रॉबर्ट क्यू की ऑफिस थी, तो वहाँ पे जाके हम तीन फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने बात की और हमारा जो मेल है वो उन लोगों को दिखाया कि ये हमारा कंफर्मेशन वाला मेल है, हमारी रॉबर्ट क्यू की सर्विस का टाइम 2:30 बजे का है। तो उन लोगों ने फिर उनके सिस्टम में चेक किया। जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने सिस्टम में चेक किया, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एज अ डॉक्यूमेंट कौन सी चीजें बतानी पड़ती है और कौन से डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पे जाके बताने पड़ते हो, तो वो आप बताओ। सो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप फैंशो के स्टूडेंट हो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर्म कंपलसरी है, और जो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर्म है वो शटल सर्विस के अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स लेंगे, और वो डिटेल्स ही काफी है आपके एज अ डॉक्यूमेंट। और वहाँ आप रोबोट क्यू के जो ऑफिस में जाके अपना मेल दिखाओगे तो वो लोग आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, लाइक कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं, पासपोर्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ मेल ही दिखाना है कंफर्मेशन वाला, और उसके हिसाब से उन लोगों के पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नाम, स्टूडेंट आईडी, सब कुछ। ओके, सो एज अ डॉक्यूमेंट गाइज आपको सिर्फ एक कंफर्मेशन का मेल चाहिए और फिर एक ISF फॉर्म जो आपने फिलअप किया है वही चाहिए, दैट्स इट। तो देखो गाइज, जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ पे लाइक यूट्यूब पे फैंशो कॉलेज पर्टिकुलरली टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के लिए उन्होंने पाथ बताया है, राइट? मे बी, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक आप कितना लगेज लेके आए थे, ये बताओ आप। सो लाइक एज अ स्टूडेंट हम लोग जो भी फ्लाइट टिकट्स बुक करवाते हैं, नॉर्मली वो लोग हमें 23 केजीज की 2 बैग्स एंड 1 फॉर केबिन बैग अलाउ भी करते हैं, 7 किलोग्राम वाली, हाँ 7 केजी वाली, एंड एक्स्ट्रा लैपटॉप बैग अगर जो कोई भी लाना चाहता है वो अलाउ करते हैं। तो रॉबर्ट क्यू वाले ये सब के अलावा भी आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है वो अलाउ करते हैं, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। सो मेक श्योर करें कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो उसके हिसाब से आपको चार्ज देने ही पड़ेंगे, लाइक वो लोग $10 भी लेंगे, 20 भी लेंगे, आपका जितना लगेज होगा उसके हिसाब से वो लोग आपको चार्ज करेंगे। ओके, तो लाइक एज अ स्टूडेंट हम 2 बैग्स जो 23 किलोग्राम की और 1 बैग जो है वो 7 किलोग्राम की ऐसी बैग ले जा सकते हैं, अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बैगेज है तो हमें चार्ज करने पड़ेंगे, राइट? या अगर आपके पास 23 के 2 + 7 kg 1 + लैपटॉप बैग के उसके अलावा कोई लगेज है तो उसके ही चार्ज करने पड़ेंगे। ओके, तो ये गाइज एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई राइड पे लेने आने वाला नहीं है, और यहाँ पे क्या होता है लाइक टोरंटो से आप लंदन आओगे तो खामोखा आपके वहाँ पे $50 to $60 चले जाएंगे इंक्लूडिंग अगर आपके पास बैग्स है। तो इससे अच्छा है कि आप ये रॉबर्ट क्यू एयरबस ले लो, क्योंकि वो बहुत ही चीप है और आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हो, राइट? सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक यहाँ पे किस लोकेशन पे उन लोगों ने आपको डिपार्चर किया था? तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका मेल आता है शटल सर्विस का अप्रूवल का, सो उसी मेल में सब डिटेल्स होती है कि कहाँ से पिकअप करेंगे एंड कहाँ तक ड्रॉप ऑफ होगा। सो वो यहाँ लंदन का लोकेशन, यहाँ लंदन में
वो रॉबर्ट क्यू का लोकेशन है 105 वन क्लिफ रोड साउथ। तो लाइक जैसे कि आपने बताया कि आप यहाँ पे 105 वन क्लिफ रोड पे आ गए राइट, मान लो उसके बाद अगर किसी को प्रॉपर लोकेशन पे जाना है यानी कि लंदन में जहाँ पे वो अपना जो स्टे करेंगे तो उसके लिए वो लोग हेल्प करते हैं या नहीं, लाइक कैसा है उसका सीन है? जनरली इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन वो लोग अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज देने की बात करते हो तो कुछ ड्राइवर्स ऐसे होता है कि जो मान जाते हैं कि एक्स्ट्रा पे करके वो आपको अपने लोकेशन तक ड्रॉप ऑफ करने आते हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा चार्ज लेने के आप उसको कन्विंस करने के बाद भी वो लोग नहीं आते, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप रोबोट क्यू से आप जहाँ पे रहने वाले हो, आपने जहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढा है वहाँ तक का सफ़र अपने आप से डिसाइड करना पड़ता है कि कोई लेने आने वाला है या फिर आप बाई बस जाओगे या फिर राइड करवाओगे, उबर करवाओगे। सो इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। ओके, लाइक यहाँ पे क्या होता है जब भी लोग ISF फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे उनसे कई बार गलती से नो सिलेक्ट हो जाता है। एज अ यूट्यूबर मुझे काफी सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं, हमने शटल सर्विस के लिए नो सिलेक्ट किया है और हमने ISF फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? लाइक इन दिस केस अगर आपने शटल सर्विस के ऑप्शन में नो सिलेक्ट कर दिया है और उसके बाद आप लोगों ने फ्लाइट बुक कराई है, अगर आपको लगता है कि मुझे शटल सर्विस की जरूरत है, देन आपको फेंशो का मेल आईडी पे मेल करना पड़ेगा कि मुझे शटल सर्विस चाहिए, और वो लोग आपको मेल का रिप्लाई देंगे और उसी रिप्लाई में सब कुछ फिर से आपको डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका अप्रूवल आ जाएगा। ओके, सो इन शॉर्ट गाइज अगर आपको कोई गलती से मिस्टेक हो जाती है ISF फॉर्म फिलअप करने में तो आप इसे रीफिल कर सकते हो और आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा, राइट? राइट। लास्ट में गाइज ये मैं यही बताऊंगा कि लाइक सेंट थॉमस जो जा रहे हैं और जो लोग वुडस्टॉक जा रहे हैं तो उनकी लोकेशंस अलग है। ये स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है जो कि लंदन ओंटारियो जो आने वाले है उनके बेस पर थी। आई डोंट नो कि सेंट थॉमस और वुडस्टॉक का कैसा सीन है, तो अगर मुझे कोई ऐसा मिला तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक लास्ट टिप है जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। मान लो अगर आप यहाँ पे वॉन्क्लिक रोड पे पहुँच गए और आपको अपने पैसे खर्च नहीं करने हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड है उनको बोलो कि अपने दोस्त का जो पैन कार्ड है वो लेके आए, तो वो पैन कार्ड यूज़ करके आप यहाँ पे इजीली किसी भी जगह पे आ सकते हो। पर मेक श्योर करना ये जो मैंने एडवाइस दी है वो आप केयरफुली यूज़ करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे का पैन कार्ड यूज़ करते हो तब वो ड्राइवर आपको पूछ लेता है आपकी आईडी के बारे में, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप ये जो मेथड यूज़ करते हो तो मेक श्योर करो कि अपने रिस्क पर करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आप जब यहाँ पे टोरंटो से लंदन आया तो आपको रॉबर्ट क्यू एयरबस की सर्विस कैसी लगी, मतलब डिसेंट टाइप थी या ऐसी सर्विस आपको कैसी लगी? मैं जब टोरंटो से लंदन तक आ रही थी उसमें रॉबर्ट क्यू में वो सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। सो जो ड्राइवर था वो भी वेल बिहेव था, वो अच्छे से बातचीत कर रहा था हम लोगों के साथ और कुछ भी हमें क्वेश्चन था तो वो उसका सही आंसर भी दे रहा था। और जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि लंदन टू टोरंटो की ट्रिप का 2 घंटा या 3 घंटे के आसपास लगते हैं, तो वो बीच में लाइक आफ्टर 1 आवर वो आपको 10 या 15 मिनट्स की ब्रेक भी देता है वो, अगर आपको वॉशरूम जाना है या कुछ नाश्ता खाना है। लाइक अभी वीडियो हमारी एंड ही होने वाली थी तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि लाइक मान लो हम तो स्टूडेंट है राइट, तो अगर वहाँ पे हमारे पास लाइक कोई अपनी फैमिली है या हमारे लाइक चाइल्ड है और वो जो है तो उनका सीन कैसा है, लाइक वो लोग भी रॉबर्ट क्यू एयरबस यूज कर सकते है और कैसा सीन है? या डेफिनेटली वो लोग भी रॉबर्ट क्यू एयरबस की यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट होंगे उसको उसके लिए ही एयरबस फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आपके साथ गेस्ट होगा, जो भी गेस्ट होगा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है इन बिटवीन $90 to $95, वो उसमें लगेज भी इंक्लूड हो जाता है।
ओके, तो ये गाइस आपके लिए काफी हेल्पफुल जो मतलब इंफॉर्मेशन है। होप गाइस आपके सारे जो मन में डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और यही जो उसका एक्सपीरियंस था उसने बताया। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, और मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और लोगों को हेल्प करने की मतलब आप में जो जो काइंडनेस है वो आपने बताई, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि यहाँ पे गाइस क्या होता है, लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं पर कई लोग वो अपनी जो मतलब यूट्यूब पे कोई शेयर करना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो मतलब अपनी अपने साथ जो हुआ वो बताते हैं। तो या थैंक यू अगेन थैंक यू, नाइस टू मीट यू। या यूट्यूब।